तो हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पे। मैं हूँ गोविंद और आज के इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस का एक हिस्सा आपको बताने वाला हूँ, जिस जगह पे हम लोग जाके 2 दिन बिना कुछ खाए पिए रहे थे और वहाँ पे कैसे हम लोग रोए थे उसको भी मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो से जरूर आप थोड़ा सा मोटिवेट होंगे। और वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ एक्सपीरियंस वाले लोग हैं और कुछ फ्रेशर वाले लोग हैं, हमको ये पता है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस वाले लोग भी इस चीज़ को फील कर सकते हैं और जो नए लड़के हैं जो जॉब करने के लिए जाने वाले हैं उन लोगों को यह चीज़ पता होना चाहिए कि भैया जब प्लेसमेंट होता है ना तो कितनी खुशी मिलती है, ठीक है। कि हम पूरे सीनियर को बताते हैं, जो भी कॉन्टेक्ट में रहते हैं पूरा अपना मतलब बैचमेट तो जानता ही है, और उसके बाद से हम अपने फैमिली को भी बता देते हैं, यहाँ तक कि रिलेशन में भी कुछ लोग बता देते हैं, ठीक है। वही चीज़ हुआ था हम लोगों के साथ, हम लोग भी ऐसा ही किए थे। सभी जगह सब हर एक लोग जान गया था कि भैया उस लड़के का प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। हमारे रिलेशन वाले लोग भी जान गए थे कि भैया उसका प्लेसमेंट हो गया। अब कितने पे हुआ ये तो हम लोग नहीं बताए, लेकिन हुआ था हम लोगों का 13,000 रुपये 12 घंटे का, ठीक है। 13,000 रुपये 12 घंटे का, लेकिन वहाँ पे जाने पे कुछ और हम लोगों को मिला, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को कुछ और बताया गया था, वहाँ पे जाने पे हम लोगों को कुछ और मिला, ठीक है। लेकिन जाने से पहले की बात मैं बता देना चाहता हूँ कि उस टाइम हमारे जूनियर्स हमारे बैचमेट्स आए थे हम लोगों को स्टेशन तक छोड़ने, ठीक है। सब लोग मतलब ये था कि चलो भैया हमें भी याद रखिएगा, ऐसा ऐसा मतलब भूल मत जाइएगा, ये है वो है, मतलब हजारों तरह की बातें। अब सोचिए इतना मतलब अच्छा स्वागत हुआ हम लोगों को जाने पे, और फिर से अगर कंपनी से वापस कॉलेज में आना पड़ जाए तो फिर क्या मतलब एक होता है दिमाग में, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है हम लोग वहाँ पे, अब तो ये समझिए कि हम लोग कॉलेज छोड़ दिए, ठीक है। हम लोग गए कंपनी में और कंपनी में जाते ही ऐसा लगा कि भैया हम लोग कहाँ आ गए, ठीक है। आप समझ सकते हैं कहाँ हम लोग आ गए, जंगल में आ गए हैं पूरी तरह से। 20-22 किलोमीटर टाउन से 20-22 किलोमीटर दूर कंपनी थी, ठीक है। बस से हम लोग आते थे कंपनी में काम करने के लिए, लेकिन वहाँ पे जब हम लोग गए तो हम लोग देख करके यही लगा कि भैया नहीं कर पाएंगे। स्टार्टिंग में ऐसा लगा, लेकिन फिर से सब लोग बनाए चलो यार करेंगे, पूरा मतलब प्रण लेके गए थे भैया बढ़िया से करेंगे और वहाँ से हम लोग निकलेंगे तो कुछ बन के निकलेंगे, ऐसा हम लोग लेके गए थे। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद से फेल हो गया, ठीक है। सभी के पास एक दिन ऐसा हुआ कि सभी के पास पैसा ख़त्म हो गया, और उस दिन हम लोग यही चाह रहे थे कि भैया चलो घर चलते हैं। कुछ कंपनी में भी बात हो गई उस टाइप की, तो हम लोग भैया 2 दिन बिना कुछ खाए रहे थे, हम लोग 2 दिन बिना कुछ खाए रहे थे। और उस 2 दिन में हम लोग एक तरह से समझिए कि क्या समझना है, हम लोग रो ही रहे थे, ठीक है। हम लोग यही सोचे जिंदगी क्या थी और क्या हो गई, ठीक है। और उसी में हम लोग बहुत लोग गए थे, लेकिन बहुत लड़के निकल गए थे, ठीक है। लेकिन हम लोग भैया प्रण लिए थे, लेकिन हम लोगों का भी प्रण ज़्यादा दिन तक नहीं चला, ठीक है। क्यों नहीं चला, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा अकड़ थी अंदर ना, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू की वो अकड़ थी कि भैया हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। तो वो कंपनी थी जहाँ पे, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे बाद में हम लोग को एहसास हुआ कि यार वो कंपनी बहुत सही थी, ठीक है, बहुत सही थी वो कंपनी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ हमें करने को मिल रहा था, हम लोग उसे बोल रहे थे लोग करने के लिए, लेकिन हम तो भैया वैल्यू देख रहे थे ना कि भैया हम झुकेंगे नहीं कुछ भी हो जाए झुकेंगे नहीं, ऐसा उस टाइम हम लोग का चल रहा था, ठीक है। लेकिन वह कंपनी हम लोग भी लीव कर दिए, मतलब बहस होने की वजह से मैनेजर से बहस हो गया, और हमारे भी मतलब बैच में कुछ लड़के थे जो थे लोग, समझ सकते हैं आप, तो बहस हो गई। और उसके बाद से अब 2-3 लोग निकले तो भैया सब लोग निकल गए, लेकिन जो बढ़िया फैमिली से थे वो लोग तो बहुत पहले ही निकल गए। हम लोग बिल्कुल लोअर फैमिली से थे, मैक्सिमम लोग जो बचे थे वहाँ पे वो लोग भी, हम लोग भी हाथ जोड़ लिए उस कंपनी से, भैया हम लोगों को इस कंपनी में काम नहीं करना है, ठीक है। फिर से हम लोग आए, लेकिन जब हम लोग जॉब अब ढूंढना चालू किए ना, तब हम लोगों को एहसास हुआ कि भैया वहाँ पे कुछ दिन हम लोग काट लिए रहते तो बढ़िया रहता, ठीक है। बहुत बुरा मतलब इधर सीनियर के पास इधर उधर, लेकिन आप सीनियर से बना के रहिएगा, मेरा एक चीज़ मानिएगा इस बात को, आप लोग सीनियर लोगों से बना के रहिएगा, कब कौन सीनियर काम आ जाए
कोई नहीं जानता, ठीक है। तो एक बहुत करीब के सीनियर थे, उन वो अपने पास बुलाए, वहाँ पे जॉब लगवाए, लेकिन वो फील्ड दूसरा था और हमारे अंदर जो था कि भैया हमको एक्सट्रूजन में जाना है, तो वो एक्सट्रूजन नहीं था, ठीक है। तो फिर से बाद में मैं एक्सट्रूजन में ढूंढते ढूंढते मैं चला गया, लेकिन जो भटकना पड़ा ना उस टाइम हमें पहली कंपनी याद आ रही थी, ठीक है, कि उसी कंपनी में हम लोग सीख लिए रहते हैं। अरे यार, हम लोगों को सीखने के लिए पैसा दे रही है, ठीक है, ये चीज़ आप अपने माइंड में रखिए कि आपको सिखाती भी है कंपनी और पैसा भी दे रही है स्टार्टिंग में 1 से 2 साल, 1 से 2 साल भैया और पढ़ लो ना, 1 से 2 साल बाद में ऐसा ये सब एहसास हुआ ना हम लोगों को, लेकिन यह चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग पहले ही एहसास हो जाए, ठीक है, ये चीज़ आप लोग पहले ही एहसास कर लीजिए कि भैया आप जिस भी कंपनी में जाइए पहले ही सोच समझ के जाइए और वहाँ पे सीख करके तभी निकलिए, कि वह जो कंडीशन है वह कंडीशन फिर से आपको दोबारा कहीं किसी कंपनी में देखने को ना मिले, ये चीज़ सोच के आप उस कंपनी से निकलिए, ठीक है, और ज्वाइन भी कीजिए, तो ये पूरा फ्यूचर देख करके ज्वाइन कीजिएगा, और बड़ी और छोटी कंपनी मत देखिएगा, सीखने को जहाँ मिले वहाँ निकल जाइएगा, ठीक है। तो वहाँ पे उसके बाद से मतलब हम जब एक सूजन फील्ड में एंटर किए, उसके बाद से 1-2 साल तक फिर से हम सीखे, और अब तो ऐसा हो गया है कि पूरा खिलौना लगता है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप किसी एक सूजन फील्ड में हैं, किसी एक सूजन फील्ड में जॉब करने जा रहे हैं, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, कुछ भी जानकारी चाहिए, आप एक डायरी पे लिख के रखिए और हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, उसका सभी का रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। हर कोई भी काम आप अगर आप कर भी रहे हैं, उस टाइम प्रॉब्लम आ रहा है, उस टाइम भी आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं भैया। इसीलिए मैं नंबर दे के रखा हूँ कि जो हम लोग रोए थे वो उस टाइप का कंडीशन किसी लड़के के साथ ना हो। उस टाइप का मेरे मेरे से एक लड़का मिला था, एक नहीं दो लड़के थे, पीजीटी पीपीटी किए थे और चेन्नई से किए थे, उन लोगों का कॉल आया था मेरे पास कि भैया ऐसा कंडीशन है। मैं उन लोगों का उसी दिन वहाँ पे 4-5 कंपनी को यहाँ पे गूगल पे सर्च करके मैं कंपनी का नंबर निकाला और अपने बारे में बताया, उसके बाद से उन लोगों का वहीं पे मैं जॉब सेटल करवा दिया, क्योंकि मैं भी बिल्कुल लग गया था कि भैया ये कंडीशन वैसी कंडीशन है, ठीक है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप भी जिस भी कंपनी में ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप पूरा मन लगा के सीख करके तभी निकलिए, वहाँ से कुछ लेके निकलिए, ठीक है। और अभी का जो हमारा देख सकते हैं कि भैया अभी 2000 USDT कम नहीं होता, आप लोग गूगल पे देख लीजिएगा, और यही चीज़ है, स्ट्रगल स्ट्रगल करेंगे फल मिलेगा ही मिलेगा। और मेरा बस वहीं से एक इनकम नहीं है, लोगों को ट्रेनिंग भी देता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ जो मतलब ये यूट्यूब के माध्यम से बहुत लोग कांटेक्ट में हैं, कंपनी वाले लोग कांटेक्ट में हैं, हमेशा 10-12 लोग रहते ही हैं हर महीने, और सभी से मैं 3-3, 4-4 हज़ार रुपये पे करवाता हूँ, ठीक है, और सभी को ट्रेनिंग देता हूँ उस मशीनों के बारे में, कंपाउंडिंग के बारे में, और इंस्टॉलेशन भी मतलब हमारा टीम है उससे मैं इंस्टॉलेशन भी करवा लेता हूँ, कुछ पैसे वो लोग रख लेते हैं, कुछ हमें भी दे देते हैं। तो यही है फ्रेंड्स सफ़र, और आप भी लगे रहिए पूरे एनर्जी के साथ, आप जिस भी कंपनी में हैं उस कंपनी में पूरी तरह से सीख लीजिए, मशीन पूरा सीख लेंगे, पूरा जिस फील्ड में है उस फील्ड का पूरा ज्ञान आपके पास अगर है, तो भैया आप जॉबलेस नहीं रहेंगे, किसी मेरे जैसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन सीखने टाइम मेरी ज़रूरत पड़ेगी भैया, तो हमको याद रखिएगा, ठीक है। और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।